गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाशिंग सोडा। इससे पहले कॉस्टिक सोडा का क्या यूज है हमने देख लिया था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा भी किससे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से ही बनाया जाता है। हाँ, और भी चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड है और दूसरा अमोनिया होता है। तो आइए देखिए डिस्कस करते हैं, पहले वाशिंग सोडा क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, और फिर हम इसको कैसे बनाते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज कैसे प्रिपेयर कराती हैं इसको। उसके बाद इसको प्रिपेयर करने के बाद इसे क्या क्या यूजेस है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आपको पहले भी ये चीज़ बताई गई है और अभी भी बता रहे हैं हम। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, कई बार आपको सॉलिड चीज़ों में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। हाँ, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो सॉलिड दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दैट इज वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब देखिए, वाटर है इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे हाइड्रेट। हाइड्रेशन वगैरह आपने पढ़ रखा हो ना बायोलॉजी में, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन का मतलब जब वाटर प्रेजेंस ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन मतलब जब वाटर के अमाउंट सफिशियंट अमाउंट से क्या हो जाए, कम हो जाती है। तो देखिए, वहाँ से एक वर्ड लिया गया हाइड्रेट, क्या लिया गया है हाइड्रेट, और 10 को हम बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं हम, डेका। तो डेका हाइड्रेट का मतलब होता है 10H2O। बात समझ में आ गई आपको। हाँ, अगर ये ऑक्टा हाइड्रेट रहता तो आप क्या कहते हैं, 8H2O, क्योंकि ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। इसी तरह अगर हेक्सा होता तो 6H2O, हेप्टा होता तो हाँ 7। ये पैटर्न होता है, मैथ्स में आपने सीख रखा होगा। और दूसरा हाइड्रेट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली जो वाशिंग सोडा है, हमने पहले भी कहा था, जैसे कि हम फेरस सल्फेट की बात करते थे, हमने देखा था कि वहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लेकिन हम अपने रिएक्शन को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री इतनी एडवांस नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो हम उसमें से उसको इग्नोर करते हैं। उसी तरह से हम वाशिंग सोडा को Na2CO3 बोलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई एक्चुअली पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 फिर डॉट 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेट इज वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। द फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। तो आप यहाँ से लिख लेंगे वाशिंग सोडा से लेके यहाँ तक, सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अगर मेरे पास जो सोडियम कार्बोनेट 10H2O है, मैं इसको हीट कर दूँ, तो बताइए क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और वेपर बनकर उड़ जाएंगे। यानी कि हीट करने के बाद मुझे क्या मिलने के चांस है, मुझे Na2CO3 मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम इसको एनहाइड्रस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्रस। एन का मतलब अपोजिट, हाइड्रस मतलब वाटर का प्रेजेंस, यानी कि जिसमें वाटर का प्रेजेंस ना हो, दैट्स वाई दिस इज नोन एज एनहाइड्रस। तो फिर अगर मेरे पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, हम उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सोडा एस। हाँ, क्या नाम है उसका, सोडा एस। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, Na2CO3 एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा एस। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा यहां से, वाशिंग सोडा इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से बनाया जाने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल ये है। पहला कौन था, कॉस्टिक सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा।
तो आपकी हेडिंग होगी प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? वाशिंग सोडा को एक्चुअली हम सॉरी पावर सप्लाई की वजह से सिस्टम बंद पड़ गया था। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा, यानी कि अगर मुझे वाशिंग सोडा बनाना है फैक्ट्रीज में तो मुझे क्या और कैसे करना होगा। सो बहुत सिंपल है, यू नीड टू कंप्लीट 3 steps। कितने स्टेप्स आपको करने होंगे? 3 steps। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, हम एक्चुअली सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? H2O और CO2 के प्रेजेंस में। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। प्लस हमें और क्या मिलता है? यस, वी गेट अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। क्या मुझे फर्स्ट स्टेप में वाशिंग सोडा मिला कहीं? नहीं ना। वाशिंग सोडा के लिए तो मुझे सोडियम कार्बोनेट चाहिए। हाँ, ये तो मुझे क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है, अब मैं इसको हीट करूँगा। हीट करने का मतलब क्या होगा? ये टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, और ये टूट के क्या बनता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। हाँ, जब आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और CO2। अब मिल गया मुझे, यही है मेरा वाशिंग सोडा का फाइनल से थोड़ा सा कम वाली वैल्यू। अब ये क्यों हमने कहा? क्या वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है? नहीं। अगर हम एक्चुअली बात करें तो मेरे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। हाँ, यानी कि ये डे का हाइड्रेट होना चाहिए, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है इसका नाम तो सोडा एस है। क्या है? सोडा एस, या फिर हम इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? Na2CO3.10H2O। तो बस सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, इस सोडा एस को उठा के थर्ड स्टेप में, यानी कि Na2CO3 को किससे रिएक्शन करा देंगे? हाँ, 10H2O मॉलिक्यूल से। यहाँ कहाँ गए? यहाँ चल ही नहीं रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में आप सोडा एस को यानी कि Na2CO3 को 10H2O से रिएक्शन करा ले, इससे आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। और ये मिल गया मेरा वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। अभी आपको समझ में आया? हाँ, यानी कि टोटल कितने स्टेप्स होंगे? 3। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, आपको वहाँ पे मिलेगा बेकिंग सोडा। ध्यान रहे, वो जो सोडा मिलेगा दैट इज बेकिंग सोडा, यानी कि हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। लेकिन मुझे तो चाहिए था वॉशिंग सोडा, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से जो मुझे बेकिंग सोडा मिला है अब मैं उसको हीट करूँगा। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी कि उसमें वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, जिसको हम सोडा एस कहते हैं। और क्या मिलता है मुझे? CO2 और H2O। फिर हम मुझे पता है, अगर मुझे सोडा एस मिला है तो वाशिंग सोडा बनाया जा सकता है। बस करना क्या है, उसको 10H2O से रिएक्ट करा देंगे और मेरा वाशिंग सोडा रेडी। तो ये हमारा टोटल 3 steps में इसको बनाया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चले आइए, तो आप तीनों स्टेप्स को बकायदा यहाँ से नोट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम प्रोसेस एक बार समझा देते हैं। अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। हमें पता है एक्वस सोल्यूशन जब हम सॉल्ट का बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं।
इज रिएक्टेड विथ अमोनिया, उसका रिएक्शन किससे कराया जाता है, अमोनिया से एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वहाँ पे क्या होने चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ताकि हमें क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। फिर अब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म इज वनली स्लाइटली सोलूबल इन वाटर। ये जो आपका बेकिंग सोडा बनेगा ना, ये वाटर में रहेगा, लेकिन वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, ये बस हल्का सा थोड़ा बहुत पार्टिकल्स का ही मिक्स हो जाएंगे। अगर मिक्स नहीं होगा तो कहाँ मिलेगा मुझे, हाँ उस कंटेनर के बॉटम लेयर में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद मैं फिल्टर पेपर लेके उसको छान लूँगा, यानी कि पानी अलग और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा अलग। उसके बाद उसको हीट कर दीजिए ड्राई करके। फिर ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट डिकम्पोजिस इनटू सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। तो हमें फिर वहाँ पे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो कि सोडा एस है, हाँ एनहाइड्रस फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हियर इज कॉल्ड सोडा एस। और फिर इस सोडा एस को हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं, मुझे मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टीज है, पहला वाशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए आगे चल के आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाता है ट्वेल्थ में, ठीक है, ट्वेल्थ का जब फर्स्ट चैप्टर मिलता है तो वहीं पे सिखाया जाता है कि सॉलिड दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होती है एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होती है जो क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि उनका फिक्स शेप होता है, जबकि एमॉर्फस से सॉलिड्स जो होती हैं उनमें ये फिक्स नहीं होता। जैसे कि आप कोल ले लीजिए, कोयला, कोयला को जैसे आप हैमर करेंगे तब उसे कई सारे टुकड़े मिलेंगे और सब किसी भी, कोई छोटा टुकड़ा हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई उससे छोटा, कोई उससे बड़ा, उसमें भी किसी की शेप सेम नहीं रहती, सब रैंडम रहता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो एकदम फिक्स ऑर्डर में होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। तो देखिए जब कोई वॉशिंग सोडा होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि वॉशिंग सोडा के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं दैट इज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। दूसरा, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा कुछ ही ऐसे मेटल कार्बोनेट्स में से एक है जो कि पानी में सोल्यूबल होता है। आप घर पे देखते हैं ना, जब डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं उसको मिक्स करते हैं तो आराम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। थर्ड, द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए जो वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, आपको पता है कि मेटल के कार्बोनेट्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बेस होते हैं, हाँ मेटल के जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेस। अब बताइए बेस को अगर आप वाटर में मिला देंगे तो सोल्यूबल अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली। तो वही चीज लिखा है, इन वाटर इज अल्कलीन। और वो क्या करता है, बेस की तरह काम करेगा। और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया अभी, अगर आप उसकी लिटमस से टेस्ट करना चाहेंगे तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कोई चेंज नहीं करता है, यानी कि जब आप ब्लू से रिएक्ट कराएंगे तो आपको रिएक्शन के बाद भी ब्लू ही देखने को मिलता है। अगर आपने रेड लिया है तो वो इसको भी चेंज करेगा किसमें, ब्लू में। और ये प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी से मैच करती है, इट टोटली मैचेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज की, तो आप 1, 2, 3 लिख लेंगे फोर्थ, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींसिंग प्रॉपर्टीज। क्लींसिंग का मतलब सफाई करने वाला, हाँ वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींसिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लॉथेस एक्सेट्रा। सिंपल सा, जो हमारे घर पे हम डिटर्जेंट पाउडर सर्फ वगैरह का यूज करते हैं ना, सेम चीज़ है ये। वॉशिंग सोडा अटैक डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स।
अब आप सोचिए कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा वहाँ पर। जब हमारा कपड़ा होता है तो कपड़े में ढेर सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में डर्ट के पार्टिकल्स या फिर ग्रीस के पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ आके लग जाती है, तो इसलिए वो गंदा दिखता है। जब आप उसको वाटर में यानी डिटर्जेंट पाउडर में मिक्स करके घोल देते हैं तो क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स आपके कपड़े को गंदा किए थे, चाहे वो ग्रीस के पार्टिकल्स रहे हो या डर्ट के रहे हो या डस्ट रही हो, वो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि वाटर में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद वो वाटर में मिक्स हो जाता है, यानी कि वो जो आपके कपड़े पे था वो कहाँ चला जाता है, पानी में, और आपके कपड़े के जो होल्स में वो पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से आपका कपड़ा गंदा हुआ था, वो पार्टिकल्स चले जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स वहाँ से हट गए, इसलिए फिर आपका कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। कई बार इतनी आसानी से नहीं भी होता तो फिर आपको ब्रश वगैरह का यूज करना पड़ता है, यानी कि आपको रब करके उसको वहाँ से हटाना पड़ता है। यानी कि एक्चुअली जब कपड़ा गंदा होता है तो कुछ हो नहीं रहा है, आपके कपड़े में जो होल्स होती है उन होल्स में डस्ट के पार्टिकल्स या गंदगी के पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गंदा दिखता है। जब आप उसको पानी में मिक्स करते हैं डिटर्जेंट पाउडर के साथ, तो डिटर्जेंट पाउडर की वजह से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और वो वाटर में घुलने के बाद आपके कपड़े से चले जाते हैं, इस वजह से आपका कपड़ा फिर से साफ हो जाता है। विच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंसिंग विथ वाटर, फिर उसके बाद जब आप पानी से उसको धुलते हैं तो एकदम से साफ हो जाता है। काम का चीज था ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा का कुछ यूज भी देख ले, वैसे आधा ज़्यादा यूज तो आपको पता ही है। पहला सोडियम कार्बोनेट, आप हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा इज यूज एज अ क्लिनसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। हाँ, क्लिनसिंग एजेंट का मतलब डिटर्जेंट पाउडर की तरह साफ सफाई करने में काम लिया जाता है। इन फैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज कंपोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ रखा होगा वाटर दो टाइप की होती है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप डेली लाइफ में चीज सुनते होंगे, नहीं सुने हैं तो अपने पेरेंट्स से टाइम निकाल के थोड़ा सा बात करिए, वो बताएंगे पानी दो क्वालिटी की होती है। वो बताते हैं खारा पानी होता है कि मीठा पानी होता है। हाँ, उसका मतलब ये है कि एक पानी हार्ड वाटर है, दूसरा पानी सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर वो है जिसको वो मीठा पानी कहते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है आपका हार्ड वाटर। जब सॉफ्ट वाटर से कपड़े को धुलते हैं या डिटर्जेंट पाउडर को मिक्स करते हैं तो काफ़ी जल्दी इसे मिक्स हो जाता है, या आपके कपड़े की धुलाई काफ़ी जल्दी हो जाती है, जबकि हार्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा को मिक्स करने के बाद हम उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। हाँ, ग्लास सोप और पेपर, सोप में तो ज़्यादा होता है, ग्लास और पेपर में कम अमाउंट में यूज होता है, लेकिन वहाँ पे भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। सोडियम से बनने वाले ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें एक कंपाउंड का नाम होता है बोरैक्स। तो बोरैक्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये किससे बना है, सोडियम से, तो हमें वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज करना पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम किसको डिस्कस करेंगे, बेकिंग सोडा को। टिल दैट थैंक यू सो मच।